जय हिंद दोस्तों, मैं परवेज शेख डुमरी एक्सप्रेस की तरफ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फरत अमीन शेख, जिन्होंने हमें एक वीडियो पहुंचाया है। वीडियो कुछ इस तरह से है कि टोरेंट के खिलाफ परेशान करदा लोग, जिनको शिकायत दर्ज करनी होती है और शिकायत दर्ज करने में तकलीफ होती है, किसी भी किस्म की शिकायत, टोरेंट के खिलाफ किसी भी किस्म की शिकायत आपको दर्ज करना हो, उसकी पूरी जानकारी फरत अमीन ने इस वीडियो में दी है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में जानकारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख। देखिए, जिस तरीके से जानते हैं कि मुमरा में जो है बहुत सारे टोरेंट के मुतालिक जो है वो जो है वो उससे मुतासिर है, हर घर उससे परेशान है, चाहे वो ओवर बिलिंग का मामला हो या पीडी का मामला हो या किसी पे एफआईआर हो रही हो या ऐसे अन्य मामलों की वजह से जो है हर घर किसी न किसी तरीके से मुतासिर है। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि टोरेंट का जो टोरेंट वाले जो है जगह जगह जाकर जो है वो मीटर चेंज कर रहे हैं, तो ये कुछ उनका 2-3 महीने से जो मीटर चेंजिंग का अभियान चल रहा था, तो मुस्लिम लीग ने जो है एक ऑब्जेक्शन लेटर जो है लोगों की सहूलत के लिए जो बनाया था, और लोगों ने माशाल्लाह उसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और बहुत सारे ऑब्जेक्शन लेटर जो है वो टोरेंट पावर में दाखिल किए गए, और उसका बहुत अच्छा फायदा ये भी हुआ कि लोगों की वहां पर ऑब्जेक्शन लेटर डालने के बाद वो उनके मीटर चेंज नहीं हुए। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्शन लेटर डालने के बाद हम लोग कंज्यूमर फोरम में भी जो है वो अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपके टोरेंट में आपने एक कंप्लेंट दिया और उसकी अगर सुनवाई नहीं हो रही, 15 दिन का आपका टाइम रहता है, अगर वो टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद भी आपका जो है वो काम नहीं होता है, तो कंज्यूमर फोरम में जो है आप अपनी कंप्लेंट जो है दाखिल कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ऑनलाइन जो है आप खुद अपने खुद के घर के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने खुद के लिए जो है आप एक फॉर्म भर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी जो है आप फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्राइब नीचे जो है वो ये मेंशन करेंगे, नीचे इसकी लिंक दी जाएंगी, और साथ ही साथ मैं आपको इंशाल्लाह फॉर्म फिल करके बताऊंगी किस तरीके से ये फॉर्म फिल किया जाता है, और ये फॉर्म आप यकीन जानिए ये फॉर्म जो है पूरा कंज्यूमर फ्रेंडली फॉर्म है। यहाँ पर आपको आप कुछ ज्यादा मतलब लोगों को लगता है कि अरे बाप रे ऑनलाइन फॉर्म है, पता नहीं क्या डिटेल्स मांगेंगे, पता नहीं क्या बोलना पड़ेगा, लेकिन जब हम लोगों ने ये फॉर्म भरा दूसरे लोगों के लिए, तब हम लोगों ने जाना कि ये बहुत ही इजी फॉर्म है, ये बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली फॉर्म है। तो इंशाल्लाह, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी तो ये है कि इसमें जो एडवोकेट की जरूरत नहीं है, बाकायदा ये चीज मेंशन की गई है वहां पर कि किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्म जो है अपने आप ये जो कंप्लेंट जो है वो अपने खुद से लड़ सकते हैं, किसी एडवोकेट की इसके अंदर जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी, और इसके लिंक जो है वो आपको नीचे वीडियो में दिख जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ ये लिंक जो है आपको गूगल क्रोम पे या गूगल में आपको डाल कर जो है ये चालू करना है। लिंक चालू करते ही जिस तरीके का पेज आपको ओपन होगा जिसमें ये लिखा रहेगा कंज्यूमर ग्रीवेंस रिटर्न फोरम, जिसमें आपको सबसे पहले जो है आई यू एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ऑफ MSEDCL, उसमें आपको येस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है कंज्यूमर नंबर आपको डालना है, कंज्यूमर नंबर आपने एक बार डाल दिया, उसके बाद गो पे क्लिक करके नीचे जो है वो सारी डिटेल्स आपकी अपने आप जो है यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें आपके कंज्यूमर नंबर, एड्रेस वगैरह, एवरीथिंग, आपकी सारी पर्सनल डिटेल उसके अंदर मेंशन रहेगी। फिर डिटेल्स ऑफ ग्रीवरेंस, मतलब आप जो है यहाँ पर आपने की क्या शिकायत डालना चाहते हैं, आपकी क्या कंप्लेंट डालना चाहते हैं। जिस तरीके से देखिए, जैसे मीटर चेंजिंग का जो जबरदस्ती मीटर चेंजिंग का अभियान चल रहा था, या ओवर बिलिंग का मसला है, या आपका मीटर नहीं लगा हुआ फिर भी रीडिंग आ रही है, या जो है वो पुराने मीटर जो आपके थे और पीडी का जिस तरीके से मसला खड़ा हुआ था पिछले बार, तो पुराने मीटर्स है लेकिन आपके ऊपर पूरा बिल उसके ऊपर आ रहा है, या इसी तरीके की जो है कई शिकायतें जो इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग रिलेटेड है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये मेंशन करने के बाद जो है नेचर ऑफ रिलीफ सॉट फ्रॉम द फोरम, यानी आप किस तरीके, इसको जो नीचे वाला कॉलम है, यानी आप क्या चाहते हो, आपका प्रेयर, यानी आप इससे क्या सोल्यूशन, आप इससे रिलीफ क्या चाहते हो, वो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा रहेगा इज द ग्रीवेंस रिप्रेजेंटेड बाय कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपको, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी है ना हमारा जो बिल होता है वो हमारी माँ बहनों के नाम पर होता है, वो शायद ऑफिस वगैरह पे नहीं जा पाएगी, तो उनके घर में जो भी है, जैसे कोई मेल पर्सन होगा या कोई सोसाइटी का पर्सन होगा, तो वो जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर कोई और कर रहा है तो हमको यहाँ पर येस पे क्लिक करना है, और जब आप येस पे क्लिक करोगे तो एक और जो है एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको ये लिखना है कि आपका केस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर उसका जो डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स के बाद आपको यहाँ पर रिलेशन मेंशन करना है कि जो आपका फॉर्म जो आपका केस रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कोई रिलेटिव है, नेबर है, या जो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। वो मेंशन करने के बाद जो है आपको देखिए
ड्यूली साइंस स्केड्यूल ए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, क्योंकि ये फॉर्म भरना भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप बोलोगे कि स्केड्यूल ए फॉर्म कहाँ से आएगा, तो ये जो है सबसे ऊपर इसी पेज पर सबसे ऊपर की जानेब पे आपको टॉप लेफ्ट साइड में आपको देखो डाउनलोड स्केड्यूल ए दिखेगा, आपको ये डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, और ये फॉर्म भी भरना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी। ये पर्सनल डिटेल्स आपको इसके अंदर भरना है। अगेन आपको यहाँ पर जो है आपकी जो शिकायत है वो मेंशन करना है, उसके बाद नीचे आपको ये बताना है कि किस तरीके का रिलीफ आप इससे चाहते हो, और ये सारी चीजें आप किस तरीके से करोगे। इसको सबसे पहले आपको इसको जो है इसका प्रिंट आउट निकालना है मैनुअली, यानी हाथ से आपको इसको फिल करना है। इसको फिल करने के बाद इसको स्कैन करने के बाद अगेन इसी पेज पर आके ये लास्ट पेज पे चूज फाइल, यहाँ पर जाके आपको इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो लिखे हुए हैं इसके अंदर, अदर डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, जो आपने टोरेंट पावर को शिकायत की थी 15 दिन के पहले कि भाई आप हमारी परेशानी पे तवज्जा दें, तो वो एप्लीकेशन हो गया, या आपका बिल हो गया, जैसे ओवर बिलिंग आता है, यूनिट ज्यादा आ रहा है, तो उसका बिल आप लगा के दे दिए, या पीडी का बिल लगाकर दे दिया आपने, तो इस तरीके के आप जो है इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको ये अग्री करना है। ये अग्री करने के बाद एक जनरेट ओटीपी आएगा, ओटीपी इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, आपको वहां पर दाखिल करना है। वो दाखिल करने के बाद इसको सबमिट करना है। ये सबमिट है तो ये बहुत ही इजी सा, मतलब जो आजकल की जनरेशन, मुझे लगता है ऑनलाइन सारी चीजें इतनी बेहतर तरीके से 2-5 मिनट में फॉर्म पूरा भर देती है, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये बहुत इजी फॉर्म है, इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये डालना है वो डालना है, ये बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली फॉर्म है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो से आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जो है वो फायदा उठाए। और ऑफलाइन करने का भी ये तरीका है कि जैसे मैंने स्केड्यूल ए का जो आपको फॉर्म बताया, आप वो वहां से डाउनलोड कीजिए, जैसे इंस्ट्रक्शन मिले थे मैनुअली आप उसको फिल कीजिए, आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाइए, जैसे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करने वाले हो उसी तरीके से आप हार्ड कॉपी यानी उसके जेरोक्स जो है वो सारे पीछे मेंशन कीजिए। वो सारी चीजें जाकर आपको जो है महावितरण की ऑफिस जो भांडुप LBS मार्ट पर है, आपको वहां पर जाकर जो है इसकी कंप्लेंट दाखिल करनी रहेगी इंशाल्लाह। तो अगर वहां पर जाके, क्योंकि कुछ लोग जो ऑफलाइन प्रीफर करेंगे, तो ये उनके लिए अच्छा तरीका है कि आप ऑफलाइन भी इस तरीके से जाकर अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका बताया है, उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ या किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो नीचे कुछ नंबर मेंशन किए जाएंगे आपके हेल्पलाइन के लिए, तो आप जो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने आपसे हमेशा से वादा किया कि वो आपके साथ स्टार्टिंग से एंड तक खड़ी है। तो आपको अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बहुत बहुत